हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और मेरी इस चेस चैनल में आपका स्वागत है। आज की जो ये गेम है वो स्पेशली फीचर करती है सफोकेशन मेट। सो व्हाट इज सफोकेशन मेट? सफोकेशन मेट है वो नाइट और बिशप से चेकमेट है मिडिल गेम में, मोस्टली कैसल किंग के अगेंस्ट में, लेकिन कई बार अनकैसल किंग के सामने भी आप इस चेकमेट पैटर्न का यूज़ कर सकते हो। और ये गेम खेली गई थी 2010 में वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में, ब्लिट्स की चेस चैम्पियनशिप थी बिटवीन एंड्रेकिन, डिमिट्री एंड्रेकिन एंड सर्जरी कजराकिन। और सर्जरी कजराकिन तो आप जानते हो, वो लास्ट वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप में मैग्नस कार्लसन के कंपटीटर थे। लेकिन इस गेम में सर्जरी कजराकिन, जो कि ब्लैक पीसेस के साथ खेल रहे थे, सिर्फ 10 मूव में ही रिज़ाइन कर दिया। तो आइए देखते हैं गेम। और इन बिटवीन दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो पर अपनी कॉमेंट देना तो बिल्कुल ना भूलें, ठीक है ना। गेम में डिमित्री ने गेम की शुरुआत की पोन टू सी फोर, पोन टू ई फाइव, रिवर्स सिसिलियन, नाइट सी थ्री, नाइट सी सिक्स, नाइट एफ थ्री, पोन टू जी सिक्स और इंग्लिश थ्री नाइट वेरिएशन, पोन टू डी फोर, ई कैप्चर डी फोर। और ऑफकोर्स यहाँ पे नाइट कैप्चर डी फोर इज़ पॉसिबल, लेकिन जो वाइट है उन्होंने खेला नाइट डी फाइव, ब्लैक ने खेला बिशप जी सेवन, बिशप जी फाइव अटैकिंग द क्वीन। और यहाँ पे वीडियो पॉज करो दोस्तों, आप इस क्वीन को कैसे सेव करोगे? ब्लैक की डी एट की क्वीन है, उस पर अटैक है और उसको कैसे सेव करोगे? रेडी, यहाँ पे आपको खेलना चाहिए नाइट सी टू ई सेवन, जबकि गेम में खेला गया नाइट जी टू ई सेवन। ऑफकोर्स ये आप नया पीस डेवलप कर रहे हो, कैसल भी प्रिपेयर कर रहे हो, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपका जो एफ सिक्स स्क्वेयर है वो वीक हो चुका है अब, जबकि नाइट जी एट से एफ सिक्स स्क्वेयर को देख रही थी। अब क्या है, जो सी सिक्स वाली नाइट है उसको हटाना वाइट के लिए आसान है, क्योंकि वो नाइट कैप्चर डी फोर कभी भी खेल सकता है। और फिर अगर आप उसको रिप्लाई करते हो नाइट कैप्चर डी फोर से, तो फिर बिशप कैप्चर ई सेवन और उसमें जो ब्लैक की क्वीन चली जाएगी। जबकि अगर आप नाइट सी टू ई सेवन खेलते हो तो उसमें क्या होगा, अगर नाइट कैप्चर डी फोर, फिर एच सिक्स, बिशप एच फोर, ठीक है ना, और सी सिक्स करके आप इस नाइट को किक कर सकते हो, और फिर नाइट कैप्चर ई सेवन, नाइट कैप्चर ई सेवन, और ब्लैक जो है उसको कोई दिक्कत नहीं है, ब्लैक इज़ परफेक्टली फाइन। लेकिन नाइट बिशप जी फाइव के बाद कजराकिन ने खेला नाइट जी टू ई सेवन, और यहाँ से जो वाइट है वो कम्प्लीटली डोमिनेट कर गया और ड्राइविंग सीट पे आ गया, और वाइट गेम इजीली जीत गया। वाइट ने खेला नाइट कैप्चर डी फोर। उप्स, क्या हो रहा है? डी फोर पे नाइट का सेक्रीफाइस क्यों? आप नाइट से भी मार सकते हो और बिशप से भी मार सकते हो, ये दोनों देखते हैं। अगर आप नाइट से मारते हो तो फिर जैसे कि मैंने आपको बोला, बिशप कैप्चर ई सेवन और ब्लैक की क्वीन चली जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए गेम में खेला गया बिशप कैप्चर डी फोर, ठीक है ना। अब क्या, व्हाट इज़ द पॉइंट बिहाइंड दिस सेक्रीफाइस? क्यों यह सेक्रीफाइस दिया गया? अब आता है अमेजिंग क्वीन सेक्रीफाइस, क्वीन कैप्चर डी फोर। और दोस्तों यहाँ पे नाइट कैप्चर डी फोर खेलना नामुमकिन है, क्योंकि अगर नाइट कैप्चर डी फोर आता है तो नाइट एफ सिक्स चेक, किंग एफ एट और बिशप टू एच सिक्स इज अ मैट, सफोकेशन मैट विथ नाइट एंड बिशप। लेकिन खजराकिन तो ऐसी पैटर्न जानते ही है, तो उन्होंने खेला कैसल, ठीक है ना। वो बोल रहे हैं यार मेरा बिशप ही गया है और क्या प्रॉब्लम, तो कुछ है नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, वाइट टू प्ले एंड विन, नाइट एफ सिक्स चेक, किंग एच एट और अब आया नाइट जी फोर चेक। और दोस्तों पॉइंट क्या है, अगर नाइट कैप्चर डी फोर आता है, ठीक है ना, तो वहीं सेम पैटर्न, बिशप एफ सिक्स चेक, किंग जी एट और नाइट एच सिक्स इज़ अ मैट। और यहाँ पे अगर ब्लैक कुछ और खेलता है, जैसे कि पॉन टू एफ सिक्स, तो फिर आएगा बिशप कैप्चर एफ सिक्स, किंग जी एट और नाइट एच सिक्स इज़ अ मैट, ठीक है ना। अगर रुक से मारेगा सिमिलर वेरिएशन में, यहाँ पे रुक कैप्चर एफ सिक्स, फिर भी कोई चेंज नहीं होगा और ये मैट हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए नाइट जी फोर के बाद कजराकिन ने देखा कि गेम को सेव करना नामुमकिन था, तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो थी ना दोस्तों एक ज़बरदस्त अटैकिंग पैटर्न और चेकमेट पैटर्न नाइट और बिशप से। तो मुझे आशा है मेरा वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा, और इससे आपको नाइट और बिशप की जो चेकमेट है
वो पैटर्न लर्न करने को मिली होगी। ठीक है ना, धन्यवाद, जय हिंद। इसी तरह से मेरे वीडियो देखते रहिए। बाय बाय।